बिलोंग करते हो आप, तो कम से कम 10 आदमियों को बताओगे तो अच्छा लगेगा। ये जो नेशनल वार मेमोरियल बना हुआ है, इसका उद्घाटन 25 फरवरी 2019 को हुआ। ये केस जो है ना पिछले 70 साल से पेंडिंग था कि हमारे देश के अंदर कोई ऐसा नेशनल वॉर मेमोरियल नहीं था। इस गवर्नमेंट ने क्या किया कि इस जगह को दिया, इस जगह की कीमत हम जिंदगी भी नहीं चुका सकते, इतनी अनमोल कीमत है इसकी। इसके बारे में 3 चीज़ें बताऊंगा जो वर्ल्ड रिकॉर्ड है। एक तो ये 8 महीने में बनके तैयार हुआ है, 8 महीने में बनके तैयार हुआ है। दूसरा क्या है, जो जवान हमारे शहीद हुए हैं आज़ादी के बाद 15 अगस्त 1947 से लेके पिछले साल फरवरी 2018 तक, 25,943 जवान शहीद हुए हैं, उन सभी के नाम लिखे हुए हैं जो कि पूरे वर्ल्ड के अंदर कहीं पर भी नहीं है। आप विश्व के अंदर देखोगे, जब भी कोई सर्च मारोगे नेट के ऊपर, तो ओनली फॉर एक स्टोन लगा रखा है बीच में, बाकी पूरा पार्क बना रखा है डेकोरेशन करके। इसके अंदर क्या है, 25,943 जवानों के सभी के नाम लिखे हुए, जो कि एक अपने आप में बहुत बड़ी हुआ है, जो कि एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। तीसरा क्या है कि जो इसको डिजाइन किया गया है वो 400 बंदों का कंपटीशन हुआ था वर्ल्ड लेवल पर, वो भी कंपटीशन जो है इंडिया के बंदे ने जीता, जिसका नाम योगेश चंद्रन है, वो चेन्नई से बिलोंग करते हैं, जिनकी उम्र 32 साल है, जो कि हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। ये 3 वर्ल्ड रिकॉर्ड हैं इसके, जो कभी भी एग्जाम में या आप कहीं भी जाते हो तो बता सकते हैं। ये नेशनल वॉर मेमोरी की थोड़ी सी हिस्ट्री बताता हूँ। ये 2 भागों में बांट रखा, एक PVC है जो पीछे छोड़ दिया, वहाँ पर जो परमवीर चक्र जो होता है, इंडियन आर्मी का सबसे हाईएस्ट अवार्ड है, जो कि अदम्य साहस और वीरता के लिए मिलता है, सबसे बड़ा इंडियन आर्मी का, वो हमारे 21 ही जवानों को मिला है अभी तक, जब से देश आज़ाद हुआ जब से लेकर अभी तक। उनमें से 18 जवान शहीद हो चुके हैं, 3 अलाइव हैं, उनमें से एक ऑनरी कैप्टन बाना सिंह है जो रिटायरमेंट हो चुके हैं, जो जम्मू कश्मीर से बिलोंग करते हैं, 8 जैकलाई से। दूसरे भी सुबेदार संजय कुमार है, जिनको सिपाही में ये अवार्ड मिला था, वो आज सुबेदारी रैंक के, जैसे आप लोगों का स्कूल है वैसे भी हमारा भी स्कूल होता है, वो हमारे को मोटिवेशन करने के लिए हमारी क्लासें लेते हैं, जब वो हमारी क्लास चला रहे होते हैं तो हमारे अंदर इतना मोटिवेट आता है कि हमें फिर हथियार की भी जरूरत नहीं होती है। उसके बाद है एक UP से बिलोंग करते हैं सूबेदार जोगिंदर यादव, जो कि बरेली के अंदर है, ठीक है। जब भी हमारी कोई परेड चलती है, कुछ भी होता है, तो ये तीनों हीरो को बुलाते हैं, जब ये अपना मेडल लगाते हैं PVC का, तो राष्ट्रपति भी इनको सलूट मारता है, ठीक है। अभी ये क्या है, नेशनल वॉर मेमोरी, ये 4 भागों में बांट रखा है, आप चारों तरफ देखोगे तो ट्रीज लगा रखे हैं, यहाँ से हमने 22 पेड़ काटे और 595 पेड़ लगाए। जैसे बारिश आती है, तूफान आता है, आंधी आती है, तो पेड़ वहीं की वहीं खड़े रहते हैं, उसी तरह से इंडियन आर्मी का सोल्जर, चाहे बारिश आए चाहे तूफान आए कुछ भी हो, देश की रक्षा करने के लिए वो वहीं की वहीं पर खड़ा रहेगा, पीछे नहीं हटेगा, जान दे देगा लेकिन पीछे नहीं हटेगा, इसलिए हम इन सबको रक्षक चक्र बोलते हैं। एक पेड़ इंडियन आर्मी के हजारों सैनिकों को दर्शाता है, उससे आगे जाके देखोगे तो ये बॉल बनी हुई है 2 राउंड में, इसके ऊपर 25,943 जवानों का नाम लिखा हुआ है, इसको हम त्याग चक्र बोलते हैं, जिन्होंने अपने देश के लिए अपने प्राणों को त्याग दिया। उसके आगे जब हम जाएंगे तो लेफ्ट साइड में ये वीरता गैलरी बोलते हैं, इसके अंदर 6 मुरल्स लगा रखे हैं, जो कि इंडियन आर्मी की हिस्ट्री में सबसे बड़ी 6 लड़ाइयाँ हुई हैं, उन सब के बारे में पूरा डिटेल हिंदी इंग्लिश में लिखा हुआ है, जिसमें ऑपरेशन ऑफ लॉन्गे वाला जो सन्नी दौर की फिल्म आई थी बॉर्डर, जो कि एयरफोर्स का उसमें बहुत बड़ा रोल था। उसके बाद ऑपरेशन मेघदूत, जिसमें -50 डिग्री टेम्परेचर पर लड़ाई लड़ी थी कैप्टन बाना सिंह साहब ने, ठीक है। अगर -50 डिग्री टेम्परेचर होने का मतलब समझ रहे, अगर थोड़ा सा हाथ भी हमारा ढकते नहीं है तो वो भी सुन पड़ जाता, कुछ सेकंड में ही बंदे की जान जा सकती है। उसके अलावा ऑपरेशन टी टेंट है, जो कि नेवी का है, ऑपरेशन ऑफ रजांगला जो 62 के अंदर चाइना के साथ में हमारी फाइट हुई थी, उसके सामने आप पीछे मेरे पीछे देख रहे हो, ये ओबलिस बोलते हैं इसको हिंदी में, इसको स्तंभ बोलते हैं। इसकी लंबाई 15 मीटर है, इसके ऊपर अशोक स्तंभ रखा हुआ है, इसकी लंबाई जो अशोक स्तंभ की 1.5 मीटर है, तो उसका वजन है जो 4 क्विंटल 10 kg है, उसकी कीमत है 23 लाख रुपये। अमर जवान ज्योति, इसके इसको अमर जवान ज्योति बोलते हैं, इसके नीचे ना चारों तरफ 4 ज्योति जली हुई है और सेंटर में 1 जली हुई है। इसका क्या मतलब है कि जो अमर जो जवान ज्योति जली हुई है, जो जवान हमारे देश के लिए शहीद हुए वो आज भी अमर है, उनकी ज्वाला जली हुई है वहाँ पे। उसके साथ में एक संतरी खड़ा रहता है, वो संतरी जब तक ये लौ जलती रहेगी जब तक संतरी खड़ा रहेगा। ये हमारी छोटी सी हिस्ट्री है यहाँ की, आप जहाँ भी जाते हो इस चीज़ को बताना। थैंक यू।